पैसा ले लो, ऑक्सीजन भी दे दे। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग भाग रहे हैं, लोगों के पास में हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, लोग दम तोड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक हम लोग सैकड़ों फोन उठा रहे हैं। गुड़गांव में सेवा करने के बाद हम लोगों के पास गांवों से फोन आ रहे हैं। कल भी एक व्यक्ति का फोन आया जिसने ऑक्सीजन की कमी के कारण फोन किया और हम उसकी मदद नहीं कर पाए कि हम सिर्फ गुड़गांव में काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को, अपने लोगों को हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन आज ऐसी बहुत कहानियां हैं। कुछ दिनों पहले एक एल्डरली कपल, उसने हॉस्पिटल बेड के लिए हमसे कहा था, 48 घंटों तक हम उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं कर पाए। 48 घंटे बाद जब हमने उनके लिए बेड की व्यवस्था करी, उनका फ़ोन आया। हमने खुद से ये पूछा कि क्या हम 48 घंटे के लिए किसी को मरने के लिए छोड़ सकते हैं, ऐसे लोग जो यहाँ अकेले रह रहे हैं, जिनके पास कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में शान फाउंडेशन ने ऑक्सीजन केंद्र बनाए हैं, जहाँ पर आप अपने लोगों को लेकर के आ सकते हैं, यहाँ पर हम आपके ऑक्सीजन लगा देंगे। लेकिन अब हमें ये सेवाएं गांव में भी पहुँचानी है, अपने गांवों को बचाना है। हम अपने गांवों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपका सहयोग चाहिए होगा। अपने गांवों में ऑक्सीजन केंद्र बनाने के लिए हमें सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, हॉस्पिटल बेड्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आइए, साथ दीजिए, मिल करके हम अपने गांवों को बचाएं।